टाइम्स मीडिया इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे इट्स स्पॉन्सर्ड बाय जी मेंस के क्या इंपॉर्टेंसेस है जिन बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना होता है उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला कराएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जेई मेंस का एग्ज़ामिनेशन पहले क्वालिफाई करना, उसके बाद फिर जेई एडवांस निकाल कर बच्चे इंजीनियरिंग में यानी कि देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में अपना दाखिला कराने के लिए काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। जी मेंस का सर परीक्षा देने का क्या सर क्या तरीका है या फिर इसमें कितना मार्क्स क्वालिफाई करने का मिनिमम और मैक्सिमम? जेई मेंस 360 नंबर का एक पेपर होता है जिसमें कि मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किए जाते हैं और 360 नंबर में बच्चे को ऑन एन एवरेज लास्ट डिकेड की बात करूं तो 70 से 100 नंबर के बीच में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, कट ऑफ मार्क्स जिसको कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में। तो कट ऑफ मार्क्स पाने के लिए एक जद्दोजहद होता है और यही इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते हैं उसके बाद ही वो जेई एडवांस की तरफ रुख करते हैं। जेई एडवांस में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कई बार 360 नंबर के भी टेस्ट हुए हैं, कई बार 354 नंबर के टेस्ट हुए हैं, लास्ट ईयर 366 मार्क्स के टेस्ट हुए थे। तो ये वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस एंड यू नो द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव प्रिपेयर्ड द क्वेश्चंस। और इस साल का जेई एडवांस 2019 की जिम्मेदारी CBSE के साथ IIT रुड़की को मिली है, तो लेट्स सी कि IIT रुड़की अब क्या डिसाइड करता है। सर आपने कहा कि पेपर वन, तो क्या इसमें कितने पेपर होते हैं जेई मेंस में? दो पेपर होते हैं। बोलिए सर, पेपर वन और पेपर टू में क्या अंतर है सर? एप्टीट्यूड का अंतर होता है, इसमें सवाल जो पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा एक एप्टीट्यूडनल टेस्ट भी होता है, बच्चों के एप्टीट्यूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते एक या दो बार के अटेम्प्ट में, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अगर एक बार या दो बार के अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी सहारा ले सकते हैं। अभी देश में हमारे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो कि अच्छा रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं और अच्छा प्लेसमेंट पैकेजेस दे रहे हैं बच्चों को। तो बनिस्पत इसके कि अगर आप क्वालिफाई, क्योंकि मेरा मानना है और मेरा मत है कि दो बार के प्रयास के बाद अगर आप IIT क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब ये सोचना और समझना होगा कि आप IIT के क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप बेहतर होगा कि अपने आप को यथार्थवादी दृष्टि से देखें और आप अपना रूट प्लान बदल सकें और करियर गोल सेम ही रहेगा, आप बनना आपको इंजीनियर ही है लेकिन एक प्राइवेट रूट से, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिकमिंग एन IITian यू विल स्टिल बी एन इंजीनियर। अभी 30 अप्रैल को इसकी रिजल्ट आने वाली है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जेई मेंस का दूसरे चरण का यानी अप्रैल में जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अभी 30 को आने वाला है और इस वजह से अभी बच्चों में हाइप भी बहुत है और बच्चे नॉर्मली टेस्ट देने के एक दो दिन के अंदर ही बच्चे ये जान जाते हैं कि हम लोग एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब मेरा मत है कि जो बच्चे अभी एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं उनका 27 मई या 26 मई और 27 मई दो डेट्स को एडवांस के टेस्ट होने हैं, तो वो लोग एडवांस की तैयारी में अभी से लग गए होंगे। और जिन बच्चों ने ये चीज़ अज्यूम कर लिया होगा आंसर की मिलने के बाद कि वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे, वो लोग अब एक साल की तैयारी में लगे होंगे या फिर अपना रूट प्लान बदल रहे होंगे।